हेलो गाइस, नमस्ते जी। स्वाच की स्टूडियो के अंदर मैं आप लोग बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स लाइक GTA 5, जिन्हें कि आप लोग अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इजीली प्ले कर सकते हो। इन सभी गेम्स के अंदर में आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी बढ़िया कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी बढ़िया आप लोगों को पूरा इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है। एंड बाकी इसके अलावा आप लोगों को काफ़ी सारे और भी फीचर्स इन सभी गेम्स के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। एंड अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी गेम पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। GTA San Andreas Remastered, इस गेम के साथ आप लोगों को 300 MB देखने के लिए मिलता है और ये गेम आप लोगों को पूरी तरीके से ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा। सो इस गेम के अंदर में आप लोगों को पूरा पूरा GTA San Andreas का मैप देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ में आप लोग काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स इस गेम के अंदर में देखने के लिए मिलेगी। एंड ग्राफिक के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज गेम है, ये काफ़ी ज़्यादा कम लैग करता है। एंड उससे अच्छी बात यह है कि ये लो एंड डिवाइसेस के भी अंदर में काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है। एंड बाकी इस गेम का डाउनलोड लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। कार ड्राइविंग सैन एंड्रियास, इस गेम के साथ आप लोग को 150 MB देखने के लिए मिलेगा और ये गेम आप लोग को पूरी तरीके से ऑनलाइन देखने के लिए मिलता है। सो ये जो गेम आप लोग को पूरे पूरे GTA 5 का एक्सपीरियंस देने वाला है आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर में। इस गेम के अंदर में आप लोग को GTA सैन एंड्रियास का पूरा पूरा मैप देखने के लिए मिलता है, बट इस गेम के अंदर में आप लोग जो ग्राफिक्स देखो वो आप लोग को पूरा पूरा RTX वाला देखने के लिए मिलेगा। एंड इतनी ज़्यादा हाई ग्राफिक होने के बाद भी आप लोग को 2 से 3 GB RAM तक के डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क करेगा। एंड यहाँ पे इस गेम के अंदर में आप लोग काफ़ी सारी कार्स ड्राइव करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। एंड इस गेम की ऑप्टिमाइजेशन भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है, काफ़ी कम लैग होता है ये। सो अगर आप लोग को GTA का पूरा पूरा फील चाहिए, वो भी कम MB के अंदर में, वो भी RTX ग्राफिक के साथ में, तो आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। DOD Thief War, इस गेम के साथ आप लोग को 150 MB देखने के लिए मिलेगा और ये गेम आप लोग को पूरी तरीके से ऑफलाइन देखने के लिए मिलता है। सो हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग इस गेम के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि ये एक टाइम का बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम है। इस गेम के ग्राफिक्स आप लोग को थोड़ी बहुत बच्चों ऐसी लग सकती है, बट इस गेम के फीचर्स आप लोग काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। इस गेम के अंदर में आप लोग काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप लोग नॉर्मली किसी भी ओपन वर्ल्ड गेम के अंदर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड आज के टाइम पे अगर आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर में इस गेम की रेटिंग्स देखो तो आप लोग को 4.5 रेटिंग देखने के लिए मिलती है एंड 100 मिलियन प्लस डाउनलोड देखने के लिए मिलते हैं। एंड ये जो गेम आप लोगों को 2 से लेकर 3 GB RAM तक के डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा इजीली वर्क करता है। सो अगर आप लोग को लो एंड डिवाइसेस के लिए कोई एक यूनिक सा गेम चाहिए तो आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। GTA 5 Beta, इस गेम के साथ आप लोग को 500 MB देखने के लिए मिलेगा और ये गेम आप लोग को पूरी तरह से ऑफलाइन देखने के लिए मिलता है। सो आप लोगों को GTA 5 के काफ़ी सारे फैन मेड वर्सन वगैरह देखने के लिए मिलते हैं एंड्रॉइड के लिए, सो उनमें से ये भी एक होने वाला है। सो इस गेम के अंदर में आप लोग काफ़ी सारे कार्स वगैरह को ड्राइव करने का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर में आप लोग कस्टमाइजेशन भी देखने के लिए मिलती है। सो इस गेम की ग्राफिक्स आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलने वाली है एंड साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे काफ़ी बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप भी देखने के लिए मिलेगा। सो इस गेम को प्ले करने के लिए आप लोग के पास में कम से कम 4 से 6 GB RAM तक का डिवाइस एक होना चाहिए। एंड बाकी गेम का डाउनलोडिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। UHD हजोला ड्रिफ्टर, इस गेम के साथ आप लोगों को 250 MB देखने के लिए मिलेगा और ये गेम आप लोगों को पूरी तरीके से ऑफलाइन देखने के लिए मिलता है। सो ये एक काफी बड़ा ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है। इस गेम के अंदर में आप लोगों को डिफरेंट लोकेशंस देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे आप लोग डिफरेंट कार्स ले आकर के डिफरेंट स्टंट्स भी कर पाओगे। एंड लोकेशंस के अंदर में आप लोगों को एयरपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, सिटी देखने के लिए मिलेगी, डेजर्ट एरिया देखने के लिए मिलेगा और हाईवे भी देखने के लिए मिलता है। बाकी गेम के अंदर में आप लोग काफी सारे कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। एंड गेम की ग्राफिक्स आप लोग काफ़ी ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलने वाली है, इसके कंट्रोल्स भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज देखने के लिए मिलेंगे। एंड इस गेम को प्ले करने के लिए कम से कम आप लोगों के पास में 3 GB RAM आपके फ़ोन में होनी चाहिए। सो अगर आप लोगों को एक हाई ग्राफिक ओपन वर्ल्ड कार सिमुलेटर गेम चाहिए तो आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे टाइप की और भी वीडियोस को देखने के लिए। एंड साथ ही साथ कमेंट करके बताना तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी। सो मैं मिलता हूँ ऐसे किसी न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।